नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त का जो समाचार आ रहा है वो है श्री गंगानगर के सादुल शहर से, जहां उस छात्रा की मां इंसाफ मांग रही है जिसकी बेटी ने कॉलेज प्रशासन से परेशान होकर कल रेल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अबोहर से पत्रकार सोनू सिहाग को पंजाब के अबोहर रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, ASI दया सिंह ने बताया कि गाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने वाली कुसुम की माता नैना देवी पत्नी जगदीश कुमार के बयानों के आधार पर गौरव सेठी, मनप्रीत कौर व अजय कुमार के खिलाफ उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आज कुसुम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी हरजिंदर सिंह ने बताया कि लड़की के पास से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब है कि सादुल शहर निवासी व गंगानगर के SN कॉलेज की छात्रा ने हॉस्टल के मैनेजमेंट से प्रताड़ित होकर गत रात्रि अबोहर में रेलगाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना को परिजनों द्वारा उस कॉलेज के हॉस्टल स्टाफ द्वारा उसे प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। सादुल शहर वार्ड नंबर 17 निवासी 22 वर्षीय कुसुम अग्रवाल पुत्री जगदीश अग्रवाल, जो कि गंगानगर के SN कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वहीं पर हॉस्टल में रह रही थी। मृतक छात्रा के पिता जगदीश ने बताया कि राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार उसकी लड़की को पढ़ाई और हॉस्टल की सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही थी। इतना ही नहीं, उसने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी माता को लिखा कि वह बहुत गलत करने जा रही है, वह हॉस्टल के स्टाफ से बहुत परेशान है, हॉस्टल के स्टाफ ने उसके साथ बहुत बेइज्जती की, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ करना। और इतना ही नहीं, उसने अपनी चैट में लिखा है कि इस गलती के लिए हॉस्टल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना। लड़की के माता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब देखना ये है कि सरकार अपने स्तर पर जांच करवाकर कुसुम के परिजनों को इंसाफ दिलाती है या नहीं, या कुसुम की मौत एक हादसा बनकर रह जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं कुसुम की मम्मी, मैं सादुल शहर से, और मेरी बेटी गंगानगर हॉस्टल में पढ़ती थी 5 महीने से। अब उसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा था और वो शनिवार से हॉस्टल से निकाल चुकी थी। अब वो 4 दिन से भटक रही थी, पर मेरे को फ़ोन से सारी वार्ता करती थी। तो मेरे साथ ये हुआ मम्मी, उन गुनहगारों को सज़ा दिलाना मम्मी, तू ज़रूर दिलाना मम्मी, मैं खुदकुशी कर रही हूँ, पर मेरा बस नहीं चला उस तक पहुंचने का। मैं रिक्वेस्ट करती हूं, मुझे इंसाफ दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज़ अपडेट होते ही आपके फ़ोन की घंटी बज जाए।